नगर निगम 2021 के चुनावों की लोक सूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। अजमेर नगर निगम, नगर परिषद किशनगढ़ के साथ विजयनगर, सरवाड़ और केकड़ी नगर पालिका के होंगे चुनाव। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव कराने जा रहा है। अजमेर नगर निगम सहित 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। अजमेर नगर निगम के साथ ही किशनगढ़ नगर परिषद और विजयनगर, केकड़ी व सरवाड़ नगर पालिकाओं के चुनाव सम्पन्न कराए जाएंगे। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि सोमवार 11 जनवरी यानी आज से लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 जनवरी को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 20 जनवरी को सिंबल अलॉट किए जाएंगे। 28 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी और शाम तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिसीमन के बाद निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 80 वार्डों में 10-10 वार्ड के हिसाब से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इस तरह से अजमेर नगर निगम चुनाव में 8 रिटर्निंग अधिकारी मोर्चा संभालेंगे, वहीं किशनगढ़ में 2 और नगर पालिकाओं के चुनाव में 1-1 रिटर्निंग अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेगा। निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम के चुनाव में किस तरह की तैयारी है? नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़ और 3 नगर पालिकाओं में चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया आज 11 जनवरी से प्रारंभ होकर के 15 जनवरी तक चलेगी। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2021 है और इसके बाद उसके अगले दिन नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 20 तारीख को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा और जो उम्मीदवार चुनाव के मैदान में रहेंगे उनकी सूची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करके मतपत्रों का मुद्रण करवाया जाएगा और उसके बाद निर्धारित कार्यक्रमानुसार निर्वाचन और मतगणना की प्रक्रिया की जाएगी। सर, किस तरह फॉर्म जमा कराने की तैयारी रहेगी आपके, कितने बेंच है या कितने टेबल है? नगर निगम के लिए 8 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं जिनके नामांकन प्राप्ति के स्थान भी अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक 10 वार्ड के लिए 1 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है नगर निगम क्षेत्र में और नगर पालिकाओं में 1-1 रिटर्निंग ऑफिसर है। नगर परिषद किशनगढ़ के लिए 2 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर।